ओरिजिन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कोई दो बॉडी चल रही है, इनके बीच में कोलिजन होता है, तो इसकी मैथमेटिक्स पूरी हम डिस्कस करेंगे। देर आर टू बॉडीज मास एम वन एंड मास एम टू। एम वन इज मूविंग एट लार्जर स्पीड यू वन, एम टू इज मूविंग एट स्मॉलर स्पीड यू टू। मैंने इसका एरो लंबा बनाया है यू वन का। लेट देम कोलाइड विद ईच अदर फिजिकली और नॉन फिजिकली। आफ्टर कोलिजन दे गेट सेपरेटेड, दे गेट सेपरेटेड। एम वन स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी वी वन, एम टू स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी वी टू। हेयर बिफोर कोलिजन यू वन इज ग्रेटर देन यू टू, हेयर आफ्टर कोलिजन वी टू इज ग्रेटर देन वी वन। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन यू वन माइनस यू टू, आफ्टर कोलिजन इट इज वी टू माइनस वी वन। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन। ओके, सिंपल सी हम मैथमेटिक्स करते हैं। हम फाइंड करेंगे वी वन और वी टू, वी वन वी टू इन टर्म्स ऑफ यू वन यू टू एंड एम वन एम टू। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज कितनी हो जानी है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, व्हाट एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल्स एम वन पी वन प्लस एम टू वी टू। दिस इज सिंपल कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, करेक्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। मैं इसमें से कुछ कर लूँ क्या, कॉमन वॉमन ले लूँ, कॉमन वॉमन ले लेता हूँ मैं। एम वन कॉमन लिया यू वन माइनस वी वन, एम वन वी वन को साइड चेंज करी निगेटिव हो गया। एम टू यहाँ ले लिया, एम टू कॉमन लिया वी टू माइनस यू टू, वी टू ये रखा यू टू उधर ले गए। अब फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व। तो हाफ कैंसिल आउट हो गया, पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एम वन कॉमन लेता हूँ मैं इधर लाकर, तो एम वन कॉमन आया बता क्या अंदर यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम टू, एम टू में ये बचा वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स है बिल्कुल। एक बार लगाया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगली बार लगा दिया कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, एम वन यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। चलिए मैं लिख ही लूँ इस इक्वेशन को पूरा, एम वन, एम वन के साथ ब्रैकेट में क्या है, एम वन के साथ ब्रैकेट में है यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम टू, और ये है वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर। उल्टा पलटी है देखो, यू वन यू पहले है वी बाद में, यहाँ वी पहले और यू बाद में। इसको मैं ओपन कर लूँ तो एम वन यू वन माइनस वी वन यू वन प्लस वी वन इक्वल्स एम टू वी टू माइनस यू टू, एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या बना वी टू प्लस यू टू। ठीक है, सिंपल ओपनिंग कर दी। अब हमारे पास इससे पहले इक्वेशन क्या चल रही है, इक्वेशन चल रही है आपकी कंजर्वेशन लीनियर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, एम वन यू वन माइनस एम वन वी वन।
एम वन यू वन माइनस वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू माइनस वी वन। ठीक है, अब दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर वन। ठीक, तो आप क्या करो, डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन। इक्वेशन टू को, इस इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दीजिए, कैसे डिवाइड करेंगे देखो ध्यान से, कैसे डिवाइड करेंगे। इसको मैंने सीधे से डिवाइड कर दिया, एम वन कैंसिल, यू वन माइनस वी वन कैंसिल, क्या बचा आपका, बचा आपका यू वन प्लस वी वन इज इक्वल टू इधर एम टू कैंसिल, वी टू माइनस वी वन कैंसिल। एक मिनट, मैंने क्या लिख दिया, ये यू वन माइनस वी वन और वी टू माइनस वी वन। यहाँ मिस्टेक हो गई, मुझे यहाँ लिखना था वी टू माइनस यू टू। अब सही है, अब एम टू कैंसिल, वी टू माइनस यू टू कैंसिल, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचता है वी टू प्लस यू टू, वी टू प्लस यू टू। अब देखिएगा जरा ध्यान से, यू वन और यू टू को मैंने इधर लिया, यू टू ये बना इधर, वी टू मैंने वी वन चेंज कर ली साइड, वी वन। ठीक है, तो वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू, इसको मैं यहाँ क्या लिखूं, वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाय यू वन माइनस वी टू, मैं इज इक्वल टू, मैं इधर इधर इज इक्वल टू या इधर इज इक्वल टू के क्या लिखूं, रेज योर हैंड जो बताना चाहता है, इट इज वन। ठीक है, अब जरा देखें तो सही, ये क्या बना, अरे ये तो कुछ नई, कुछ जानी पहचानी चीज बन गई, क्या बन गई है, बाय द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वी टू माइनस वी वन बाय यू वन माइनस यू टू इज इक्वल टू ई, द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज कॉल्ड ई। और यहाँ वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू, ये क्या आ रहा है, इट इज आ रहा है, इट इज इक्वल टू वन, तो हैंस ई इक्वल्स वन। इसके लिए देखिए ध्यान से, हमने क्या करा है, यहाँ कंसिडर किया है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तभी तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कर ली थी यहाँ। तो हम क्या लिखेंगे, इसके पूरे का रिजल्ट निकल कर आता है, क्या रिजल्ट निकल कर आता है, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। और इन इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होना है, इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडी चिपक कहीं रह जाएंगी, तो जो वेलोसिटी है वी वन वही वेलोसिटी है वी टू, जब वी वन और वी टू दोनों आपस में सेम है तो फिर इनका डिफरेंस वी टू माइनस वी वन का डिफरेंस कितना होगा, जीरो, जीरो बटे एनीथिंग, जीरो बाय एनीथिंग, कुछ भी हो जीरो के अकाउंट में तो आप हाथ ही रख दो, जीरो के डिवीजन में तो आप हाथ ही रख दो, इजिक्वल टू क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो फिर परफेक्टली नॉन इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज जीरो, पर फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल्स